परमेश्वर जगत ऐसो प्रेम राख्यो कि वणी आपनो एकलो तो बेटो दीदो, जणियों जो वणी पे विश्वास करे वंडो नाश नी वेवे अन वो हमेशा सुखी जीवन बितावे। परमेश्वर अपना बेटा ने दुनिया ने दोषी ठहरावा वास्ते नी भेजियो, पण आनी वास्ते कि वो दुनिया रो उद्धार करे। आज यीशु मसीह ने दुनिया में एक अरबू ज्यादा मानवा वाला है। मसीह विश्वास री सभाओं पहला री शुरुआत शुभ समाचार री चार किताबा में लिखी तकी है। भले ही कि दूसरा शुभ समाचार री किताबा अना वाता ने या दूसरी वाता ने दूजा ढंगो बतावे है, पर यीशु मसीह री या आखी कथा लुकारी किताब मु लिदी थकी है। प्यारा थियोफिलुस, मु तने सारी वाता एक एक करण लिख रियो हूँ, ई मारे लारे भी थकी है जनियो तू हर एक वात ने सच्चाई मु जान सके। जना दिना अगुस्तुस केसर रोम रो राजा हो और महान हेरोदेस यहूदिया रो राजा हो, परमेश्वर नासरत री कुंवारी रे पास जिब्राइल नाम रा एक स्वर्गदूत ने भेजो, वणी कुंवारी रो नाम मरियम हो। हे मरियम, डरे मती, क्योंकि थारे माथे परमेश्वरी दयावी है। तू गर्भवती वेगा और थारे एक बेटो पैदा वेगा, तू वंडो नाम यीशु राखजे। यो किस्तर वेगा, मु तो कुवारी हूँ। पवित्र आत्मा थार पे उतरेगा, अणी वास्ते जो पवित्र बालक पैदा होए वालो है वो परम पिता परमेश्वर रो बेटो कहलावेगा, वंडो राज्य कदी खत्म नहीं वेगा। अनि वास्ते मरियम अपनी बहन जी इलिशिबा रे पास यहूदा नगर गई। इलिशिबा भी अजीब तरीका वो गर्भवती ही। इलिशिबा, मरियम, बहन मरियम, तो सब लोग आया हूँ धन्य है, और जो बेटा थारो पैदा होगा वो भी धन्य है, क्योंकि जिस तारे में थारा नमस्कार ने हुड़ियो बालक खुशियो मारा पेट में उछल पड़ियो। मारो मन प्रभु री बड़ाई कर रहा है और मारी आत्मा मारा कल्याण करवा वाला परमेश्वर आनंद लेवे, और अबे सब दुनिया रा लोग मने धन्य केगा। नास्त्र सभी लोग उनो अगस्तुस केसरी आड़ियो आज्ञा आई है कि गलील और यहूदा रा सगला गांव रा मनकारी गिनती की जावेगा। अनि वास्ते सभी लोग अपना अपना शेर और गांव में जाएं, आपनो आपनो नाम लिखावे। और मरियम वंडा मंगेतर यूसुफ रे हाथे नाम लिखावा वास्ते यहूदारा बेतलेम की। लेकिन वठे वंडे ठेरवारे वास्ते कोई जगह नहीं ही, ठेरवारे वास्ते केवल एक जगह मिली जो एक गौशाला ही। देश रा वणी भाग में थोड़ा बकरी चरावा वाला अपनी भेड़ारी रखवाली कर रिया हाँ, जदी परमेश्वर और स्वर्ग दूत वनारे हमें आयो और परमेश्वर री महिमारो प्रकाश वना पे चमकायो। आज रे दन दाऊद नगर में थाने वास्ते एक उद्धार करता जन्मियो है, और वही जे मसीह प्रभु। गाडरिया वनी वक्त चरणी में जन्मिया यीशु ने देखवा गया, और वे पहला मनक हा जना कुंवारी माँ और उद्धार करता री हव वाता फैलाई। एक हफ्ता पछे बालक रो खतना करवानो दिन आयो और वंडो नाम यीशु राख्यो गियो। यूसुफ और मरियम बालक ने परमेश्वर ने अर्पित करवा वास्ते यरूशलेम ली गया। मंदिर में एक धार्मिक व भगत आदमी हो जिन्हें पवित्र आत्मा ये प्रतिज्ञा दी दी कि जत्रे वो मसीहा ने नहीं देख लेगा वत्रे वंडी मौत नहीं वेगा, वंडो नाम शिमोन हो। परमेश्वर अबे तू थारे दास ने थारे वचन अनुसार शांति विदा कर। क्योंकि मारी आंखा तारे उद्धार ने देख ली दी है, यो बालक परमेश्वर चिन्ह थको है।
थाने दोयो ने आशीर्वाद मिले। और जदी वटे हगला धार्मिक काम पूरा कर लिदा तो भी यरूशलेमू पाचा नासरत पर आ गया। जदी यीशु 12 वर्ष रो वियो तो यूसुफ व मरियम बलीरा त्योहार वास्ते विने यरूशलेम ली गया। लेकिन पाचा आवती वक्त यीशु वनाऊ पाचे री गयो। वे विने ढूंढवा पाचा शेर आया और तीसरा दन वनी ने मंदिर में गुरुवा और मुखियारे लारे बैठो पायो। हाँ, ये कंडो बालक है जो ऐसा प्रश्न करे है। यो नासरत रो है, माँ हमजा वो मारे लारे चलो आयो, कृपया अंडी गलती क्षमा करो। और जना भी ने हुनियो वे चकित रह गया। बेटा थैसे क्यों की दो, थारो पिताजी और वो थाने हो द्वारे वास्ते कतरा परेशान भीया। था मने क्यों ढूंढ रहा हा, कई था नहीं जानो कि मने पिताजी रो काम करनो है। और वो वनारे लारे नासरत आयो और बुद्धि डीलडोल और परमेश्वर तथा मनक रे अनुग्रह में बढ़तो गियो। इबीरियुस केसर रे राजरा 15वां वर्ष में जदी पुंतुस पिलातुस यहूदियों रो हाकिम हो और हेरोदेस गलील रो शासक हो, हन्ना और कैफा मुख्य पुरोहित था, परमेश्वर रा वचन रेगिस्तान में यूहन्ना रे पास पहुंचा, वो यर्दन नदी रा प्रदेश में पापरी माफी रे वास्ते जल संस्कार रो प्रचार करवा लागो। आपनो पाप रो पश्चाताप करो, जल संस्कार लो, परमेश्वर थानो पाप माफ कर देगा। जशो की यशाया भविष्यवक्ता री किताब में लिखियो तो को है, रेगिस्तान में कोई बुलारियो है, प्रभु रे वास्ते गेलो तैयार करो, वंडी यात्रा रे वास्ते गेलो हिदो करो, हरे घाटी भर दी जावे, हंगला पहाड़ और मंगरा हुदा किया जावे, बाको डोडो गेलो हुदो कियो जावे और अबको गेलो हुदो कियो जावे, जानियो हारी मणक जाती, परमेश्वर रा उद्धार ने देखेला। माँ कई करा? हाँ माने बता, माने कई करना चावे? हाँ प्रा बच्चो, माने बता, माने कई करना चावे? माने बता, माने बता, कटीने जावा। जंडे कोड़े दो कमीज वे वो एक विने दे देवे, जंडे कोड़े नीवे, जंडे कोड़े रोटी वे वो वाटी ने खाए। हे गुरु, मां शुंगी लेवा वाला हां, मां कई करा? ठरा ग्राऊं वत्तो मती लीजो। और माने वास्ते कई, मां कई करा? जबरदस्ती कणीरो धन मतिलो और कणीरो झूठो नाम मतिलो, अपनी तनख्वाहों खुश रहो। मने बता, काई तू मसीह है? मुँ तो थाने पानी हूँ संस्कार दू हूँ, परंतु एक आवाला जो मारो भी अधिक महान है, मुँ तो अड़ी लायक भी नहीं के वंडा जूतारा बंधन भी खोलू, वो थाने पवित्र आत्मा और आगु बपतिस्मा देगा, वंडा सूपड़ो वंडे हाथ में है ताकि वो गेहूं ने भूसाऊ अलग करीन आपने खेत में रखे।
और पवित्र आत्मा शरीर रा रूप में कबूतर जो उतरियो। और स्वर्ग वो एक आवाज आई, तू मारो लाडलो बेटो है और मु थारा हूं, बहुत खुश हूं। यदि यीशु अपनो काम शुरू की दो वदी भी 30 वर्ष रहा। यीशु पवित्र आत्मा वो भरन यर्दन नदी वो पाचा आया और आत्मा वना ने रेगिस्तान में ले गियो, जठे वनारी शैतान 40 दिन तक परीक्षा ली थी। वना दना में वना कई नहीं खादो। और पछे शैतान वणी ने कियो, यदि तू परमेश्वर रो बेटो है तू कम दे कि अणी भाटारी रोटी बन जावे। यो लिखियो है कि मनक केवल रोटियां नहीं पण परमेश्वर हर एक वचन जिंदो रहेगा। पचे शैतान वणी ने ऊंचो ले गियो और पल भर में सारा जगत रो राज्य दिखायो। यो सारो अधिकार और धन दौलत मने हुपी गई है, जिन्हें मुँह चाहूं इन्हें दे सकूं। अगर तू मने नमस्कार करे तो ये सब थने भी दे दूंगा। यो भी लिखियो है कि तू तार प्रभु परमेश्वर ने प्रणाम कर और वंडी ही भक्ति कर। यदि शैतान भी ने यरूशलेम ली गयो और मंदिर ही ऊंची चोटी पर खड़ो की दो, अगर तू परमेश्वर रो बेटो है तो खुद ने नीचे नहाक ले, क्योंकि धर्म की किताब में लिखियो है कि वो अपना स्वर्गदूत ने हुक्म देगा कि तने हाथों हाथ झेल लेगा कि तारे पगा में भाटारी चोट भी न लागे। धर्मशास्त्र के वे कि तू तारा प्रभु परमेश्वरी परीक्षा मत ले। और वो नासरत आयो जठे वंडो पालन पोषण भी हो। हाउ हो हाउ हूं और आराम रे दन वो नियमरा अनुसार मंदिर में गियो। और वटे वीने एशिया भविष्य बतावा वाला री किताबू एक पन्नो वाचवा बुलायो। प्रभुरी आत्मा हमारा पे है, वणी मने गरीब लोगों ने हाउ संदेश सुना वास्ते चुनियो है। वणी मने अणी वास्ते भेजियो है कि मु कैदियां ने छुटकारो और आंधा ने रोशनी पावरो संदेश दू। सताया थकरी आजादी री घोषणा करूं कि वो समय आई गयो है जदि परमेश्वर अपना लोगों ने बचावेगा। यो सही कहवे है। शास्त्री रिया बात हाँची साबित भी है यदि इन्हें था वास्ता होनी। परमेश्वर वचन पूरा भी हो, लेकिन अन्य प्रतिज्ञा ने केवल मसीह पूरा कर सके। मां कसर जानांगा हाँची बात है। था मने वेद्य ने खुद ने हव करवारी कहावत पोगा
था मने यो भी कोगा कि अपना देश में वो कर जो थे कफरनुम में की दो है मु के हूं थाने कि कणी भी भविष्य बतावा वाला ने वंडा देश में इज्जत नहीं मिली है। अनि प्रकार यीशु अपनो परिचय दीदो कि परमेश्वर विने लोगारे उद्धार रे वास्ते मसीरा रूप में भेजो है, परंतु यहूदिया यीशु ने उद्धार करता रे रूप में नी मान्यो। अनि पे वणा विने चट्टान को धक्को देवारी कोशिश की दी, पन वी भीड़ रे वचमो निकलन अपना गेला पे परा गया। और गलील रा एक कस्बा कपरनऊम में आया। वनी वक्त देश में रोमी सम्राट रो प्रभाव हो और लोग वनी रा अत्याचार वो छुटकारो पावारे वास्ते मसीरो इंतजार कर रिया हा। ने शांति मिले और तू माली कई मुंह थारी नाव में आई सकूं सिमोन? क्यों नहीं लागे है वो अपने छोड़ी न जा रियो है। कई बताओ तो सही, बताओ तो सही, मैंने कई बताओ तो सही। इशू माने उपदेश दो। एक दान दो आदमी मंदिर में प्रार्थना करवा गया, एक भगत अंदू जो चुंगी लेवा वालो, भगत अलग उबो वेन प्रार्थना करवा लागो। मु थारो धन्यवाद करूं प्रभु कि मु दूजा लोगा जो लालची बेईमान और व्यभिचारी नहीं हूं, थारो धन्यवाद करूं कि मु अणी चुंगी लेवा वालो जैसो नहीं हूं। मु हफ्ता में दो दान व्रत राखूं, मारी कुल आमदनी रो दसवो हिस्सो थाने दूं, पण चुंगी लेवा वड़ो दूर उबो वेन बिना स्वर्ग रियाड़ी आँखा उठाया छाती कूट कूटन बोलियो, परमेश्वर मारा पे दया कर, मु पापी हूँ। मु थाने बताऊँ वो चुंगी लेवा वालो न कि भगत हाची साबित वेन घरे गयो। जो आदमी अपने आप ने बड़ो बतावेगा वो छोटो बनेगा, और जो खुद ने छोटो बतावेगा वो बड़ो बनेगा। अपनी नाव ने गहरा पानी में ले चलो और था और थाना साथी पानी में जाल नाको। ओ प्रभु, मां आखी रात घनी मेहनत की दी पण कहीं भी नहीं मिली, पण अगर तू केवे तो मुंह जाल नाको। याकूब, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, खानी ना अटकी ले लो और मानी मदद करो जल्दी। मैं नहीं आ सका, मन हाथ में काम है। घनी वेगी, घनी वेगी। मारे पास ऊपर हो जा प्रभु, वो पापी आदमी। घबराओ मती, अबे था मनखा ने पकड़वा वाला होगा। मारे पास आओ और मारी बात सुनो, मारी बात पे ध्यान दो, थाने जीवन मिलेगा। जत्रे प्रभु नहीं मिल जावे विने ढूंढता रहो, जठा तक वो पास है विने आवाज दो। दुष्ट भी गेला ने बदले और पापी अपना विचारा ने बदलन परमेश्वरी शरण में आवे तो वो वणी पे दया करेगा और पूर्ण रूप माफ कर देगा। आनंद रे लारे था आगे बढ़ सकोगा और शांति पाओगा।
वो आई रियो है, वटे ही है, देखो। यीशु, यीशु, मारी एकली बेटी ने बचाई लो। प्रभु मार पे दया कर, वो केवल 12 साल रही और मर रही है। दया दया मारे साथ चलो। यार मने बड़ो दुख है। यीशु कि थारी बेटी मरेगी, गुरु ने दुख मती दे। डरे मती, भरोसा राख वह ठीक हो जाएगा। रोमती, वह मरी नहीं है, वह हुईरी है। बेटी उड़ जा। इन्हें कहीं खावा ने दो, ध्यान रख जो जो अठे वियो है कि जो मती। अंडे पछे वाणा मत्ती लेवी नाम एक भोग हासल लेवा वाला ने देखियो जो दरवाजा पे वसूली करवा बैठे हो। मारे पाचे यीशु मंगरा पे प्रार्थना करवा गियो और वटे परमेश्वर वो प्रार्थना करवा में आखी रात लगाई दीदी। यदि परभात भी तो वणी 12 लोगा ने बुलाया और वणा ने चेला बनाया। शिमौन जंडो नाम पत्रस भी राख्यो। और वंडो भाई आंद्रियास, याकूब, और युहन्ना, फिलिप्पुस और बर्तुलमय, मत्ती और थोमा, हाइलफेरो बेटो याकूब और शिमौन जो जिलोतेस केलावे और यहूदा याकूब रो भाई और यहूदा इस्कारियोती जणी पचेवी ने धोखो दीदो।
धन्य हो था जो मनरा दीन हो, परमेश्वर और राज थानो है। धन्य हो था जो बाणु भूखा हो धपाया जाओगा, धन्य हो था जो रोवो हो हंसाया जाओगा। धन्य हो था जो लोग थानों परेज करे ठुकरावे, थाने नीचा दिखावे, थाने बुराई करे क्योंकि था मनकरा बेटा रहो। यदि ऐसो वे तो खुश और मगन में नाच जो अने वास्ते के स्वर्ग में अंडो खूब हाउ फल मिलेगा। वनारा पुरखा भी भविष्य बतावा वाला रे लारे ऐसो इसकी दो। बोला हत्रा अठारा उगनीस वीस मारफास यही से जीरो का मतलब मने पूरा पे कई बीतेगा था पैसा वाला हो था तो आराम रे जिंदगी निकाली है। जो मालदा मंडो नहीं चाहेगा वो तो कोई वेंडो ही रहेगा। आना पे कई बीतेगा तो था श्रेयाओ थाने रोनो और मातम मनावनो है। थानो कई वेगा कि सब थाने जुटी बड़ाई करे। बनारा पुरखा भी भविष्य वाला लारे सोच करता हा। पणमु हुणवा वाला ने कहूं आपने दुश्मनों प्रेम राखो, जो थानों नफरत करे वनाऊ था भला रो। कोसवा वाला ने आशीर्वाद दो, धोखे बाजरे वास्ते प्रार्थना करो। जो थाने एक गाल पे थप्पड़ मारे विने दूजा पे भी मारवा दो। अगर कोई थाने चद्दर ले विने थानो कमीज भी दे दो। थानो मांगवा वाला हरेक ने दो। अगर कोई थाने चीज लेवे विने पाछी मत मांगो। दूजा रे लारे वो करो जो खुदरे वास्ते चाहो। अगर था वणो प्रेम राखो जो थाणो राखे थाने कणी वादरो आशीर्वाद मिलेगा। पापी भी वणो प्रेम राखवा वाला रे लारे प्रेम राखे था थाणो हऊ रेवा वाला रे लारे हऊ रोगा तो थाने कणी वादरो आशीर्वाद मिलेगा। पापी लोग भी ऐसो ही करे। वो वणी ने किस तरह छुई सके वो वणी बात छुटी किस तरह कर सके। हरा मानी चावे नहीं, आपने दुश्मनों प्यार करो और वनारो भलो करो। देन पाछो लेवरी आशा मत राखो तो थाने अंडो बड़ो फल मिलेगा। था परमपिता परमेश्वर रा बालक केवाओगा क्योंकि वो दुष्ट और दोगला रे वास्ते भलो है। दयालु वणो जैसा कि थाना परमपिता दयालु है। माने बचाओ यीशु। दोष मत लगाओ थाना पे भी नहीं लगाया जाएगा। दोषी मत ठहराओ थाने भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। माफ करो और थाने भी माफ किया जाएगा। माने थारे मार्ग पर चला स्वामी। दो और थाने भी दीदो जाएगा। जने नापो तो नापेगा वत्रो इस थाने भी मिलेगा। एक आंदो दूजा ने रस्तो नहीं बताई सके। अगर वो ऐसो करेगा तो दो ही खाड़ा में जाई पड़ेगा। तू थारा भाई री आंख में टींट के क्यों ढूंढ रहे हो यदि की थारी खुदरी आंख में मुसली पड़ी तकी है। प्रभु मने राज तो बता। माने अबे थारी जरूरत है प्रभु। वाह मां कतरी धन्य है जनी थाने जन्म दियो और पालियो। अंडे बजाए वे धन्य है जो अंडी बात होने और भी ने माने। मुणे आदमी जाना चाहूं था सोचो कि या कई वो मसीह वैसे के अनि फरीसी यीशु ने वंडे लारे जिमवारे वास्ते बुलाया। यीशु वंडे घरे गियो और जिमवारे वास्ते बैठ्यो। अटियाओ बालकों बाने जाओ हुणो नहीं जाओ ये बाल का गड़बड़ी करती रहे हैं। यहाँ अठे कई कर रही है मने खबर नहीं।
वह कई कर रही है। यदि यह आदमी हाथी में भविष्य सकता है वो जान लेती तो युग कौन है। जो उन्हें हाथ लगा रही है वो कतरी पापी जीवन जी रही है। मुँह जानू हूँ या लुगाई कौन है शिमोन, मने थन्ने बतावा दे। एक साहूकार रा दो कर्जदार हा, एक पे 500 दूजा पे 50 रुपया रो कर्ज हो, दो ही कर्ज नहीं चुका सकता हा, अने वास्ते वणी कर्ज ने माफ कर दी दो, वणी ज्यादा प्रेम कौन करेगा। मुँह जानू जंदा ज्यादा पाप क्षमा की दा है। थू सही है, अने लुगाई ने देख मु थारे घरे आयो और थे मने पग धोवारे वास्ते पानी तक भी नहीं दीदो। जदी की एने अंडा आसो मारा पगा ने धोया और बालों पूछिया, थे चूमन मारी आ भगत ने की दी। पण जदी मु आयो हूं या मारा पगा ने चूमरी है, थे मारा माथा में जैतून रो तेल नहीं लगायो, पण आनी मारा पगा में अतर लगायो है। मु थाने बताऊ अंडो यो प्रेम बतावे है कि अंडा नरे पाप माफ हो गया है। झंडा थोड़ा विया है वो थोड़ो प्रेम बतावे। थारा पाप माफ भी गया है, विश्वास थने बचाई ली दो है, आराम हो जा। मो मो और ईशु परमेश्वर रा राज्य री हव आता हुना तो यात्रा करवा लागो और बारा चेला वंडे लारे गिया और वनारे लारे भूत प्रेताऊ हव की दी थकी कुछ लुगाया भी ही। मरियम जो मगदलीनी कहलाती ही, योन्ना जंडोपति खोजा हेरोदेस रा दरबार में खजांची हो, और सुसन्ना पण गलील रा शासक हेरोदेस युहन्ना जल संस्कार देवा वाला ने जेल में नाग दिदो। आने वास्ते की वणी वंडी भाभीरे लारे किदा थका व्याव ने गलत बतायो हो। पछे जदी मां नाइनरा दरवाजे में पहुंचिया तो लोग एक मुर्दा ने लई रिया हा। मरियो थको आदमी विद्वारो एकलो तो बैठो हो। जदी ईशी वंडी मां ने देखियो तो वनारे मन में दया आएगी। वना मुर्दा ने हाथ लगायो और बोलिया, हे आदमी हुन मु थाने केहूं, उठ जा। अण वो आदमी उठ बैठ्यो और ईशु वंडी वंडी माने होप दी दो। विने पूछ कि यहुन्ना बताया वो आवो वालो थुईज है या मा कनी और ही आशा रखा। मालिक, मालिक, यहुन्ना बपतिस्मा देवा वाला माने यो पूछवा भेजो है कि तू वही है जो अब वालो हो या माकनी और ही आशा रखा। जो थे देखे और हुनियो है यहुन्ना ने बता, आंधा देख सके, लंगड़ा चाल सके, वे लोग कतरा खुश है जो मारा पे शक नहीं करे। बापू मने ऊपरे उठाओ। आओ मारा कांधा पे, अबे था देख सको। मु ईशु ने देख सको। एक बीज बोवाड़ो बीजा ने बोवा निकलियो, बीजा ने बहुत ही वक्त वणा में कुछ किनारे जाई पड़िया और पगाऊ दब गया, पक्षिया वणा ने चुग लीदा। वणा में कुछ बीज भाटा में जाई पड़िया
और उग गया, बाद में पानी नहीं व्यवहारी वजह वे भी सूख गया। अनकुछ बीज कांटारी झाड़िया में जाई पड़िया, बीजा रलारे झाड़िया भी बड़ी वेगी और वणाने दबाई दीदा। कुछ बीज हऊ मिट्टी में जाई पड़िया और भी उग गया, अन उग अन हऊ फल दे दो, हरेक में 100 गुणो। स्वामी, यदि भीड़ पास में था उदान देन क्यों बताओ हो? थाने परमेश्वर राज्य रो भेद दीदो है, पण दूजा ने तो ये उदाहरण देन बतावनो पड़े, अने वास्ते की भी देखता तका भी नहीं देखे और हुणता तका भी नहीं समझे। उदाहरण रो मतलब यो है, बीज तो परमेश्वर रो वचन है, सड़क रा किनारा रो बीज वो वचन है जो वणा हुण्यो, पण शैतान आईन वणा रा मन मो वचन ने ले गयो, जिण्यो की भी विश्वास करन उद्धार नहीं पाई सके। बाटा पे पड़े थका बीज रो मतलब भी वचन है, जणा ने लोग होणन खुशी रे लारे मान्या, पण वणा रे जड़ा नहीं ही, वणा कुछ समय रे वास्ते अणा ने मान्या, अन परीक्षा री घड़ी रे वक्त वे अलग पड़ जावे। कांटारी झाड़िया में पड़े थका बीजा रो मतलब भी वचन है जो हुणिया तो सही, पण समय रे लारा लारे चिंता धन और जीवन ना भोग विलास में फसवा रे वजाऊं, अच्छा फल नहीं आवे। और भी बीज जो हो मिट्टी में पड़िया रो मतलब वी वचन जाना ने हुणन भला और मानवा वाला मन नु हमाली इन फल आवा तक धीरज राखे। कोई मनक दीवा ने जोइन विने नहीं डाके, विने काटे नीचे नहीं मिले, पण विने वे ऊंचो मिले, जण्यू महीने आवा वाला ने रोशनी मिले। जो कई भी छुपियो तो को है विने चोड़े किदो जाएगा, और जो कई भी ढाकियो तो को है विने होदन उजाला में लायो जाएगा। होशियार रहो था किस्तर हुन रियाओ, क्योंकि जंडे पा है विने और दीदो जावेगा, और जणी पा नहीं है वणी पा जो भी है वणी वो भी ले लीदो जावेगा। गुरु, थारी माँ और थारा भाई बाढ़ ने उबा है, वी थारा मिलनो चावे। मारी माँ और मारा भाई वी है जो परमेश्वर वचना ने हुणे और वणा ने माने। एक दिन यीशु वणारा शिष्या रे लारे एक नाव में चढ़िया और वणानी कियो कि आओ आपा तालाब रे पार चाला, और यदि शिष्य नाव चलाई रिया हां तो यीशु हुई गया। विश्वास कठे है और भी गरासेनिया देशरी और रवाना बिया जो तालाब रे वणी पार गलील रे हामे हो। Hey.
यीशु परमेश्वर बेटा तू मारो कई चावे है मु थारो विनती करूं मने दंड मती दे थारो कई नाम है पहुंच प्रभु मु थारा अरज करा कि माने पाताल में मती भेज माने सुआरा रा झुंड में भेज दे और प्रेतात्मा वठाऊ निकली पाछाओ और सूरा में परी गई हटू पर जा ओ जादूगर मने छोड़ दे हटू जा मने छोड़ दे परो जा तू जटे जावेगा मुँह थारे हाथे जाऊंगा मने थारे लाले चालवा दे पाछो घरे जा अनवता प्रभु थारे वास्ते कई की दो यीशु और वनारा चेला बेत सैदारी अड़ी पर आ गया यदि भीड़ ने वनारे बारा में पतो चालियो तो वी भी वनारे पाछे किया हांजरे वक्त पत्रस बोलियो मालिक लोगाने अठाओ भेज दे जड़ियों की वे गांव आ खेता में जाई ने अपने वास्ते खाणो और रेवारी जगह ढूंढ सके या एक सुनसान जगह है ता खुद वे ने खावरे वास्ते कही दो पण माणे पास पांच रोटी व दो मछलियां ही जे धन्य है तू प्रभु परमेश्वर पृथ्वीनाथ जो तू सारी धरती पे अन्न उपजावे अरे वाह कतरा गजब रे बात है नहीं वैसा के लोग मने कई केवे कई केवे है तू जल संस्कार वालो यहन्ना है और दूजा कि तू एलिया कतरई जना केवे कि कोई ए भविष्यवाणी करवा वालो पाछो जीव गयो है ता कई को कि मु कौन हूं तू परमेश्वर रो मसीहा है
था कणी ने यो मत कीजो। मनकरा बेटा रे जरूरी है कि दुख झेले ग्रणा पावे और मारियो जावे। अंतीजा दन पाछो जी उठे। कई थाना मुँह मारे लारे कोई चलेगा? मुँह आपरे पाछे चलूंगा स्वामी, पर बेला माने घरे जाईने मारो घर वालों विदा लेवा दे। जो कोई आपनो हाथ हल पे राखन पाछे देखे वो परमेश्वर राज रे लायक नहीं है। यदि कोई मारे लारे चालनो चावे तो वो अपने आप ने भूलन, रोज खुदरी सूली उठे मारे पाछे चाले। जो कोई अपनी जान बचावेगा वो विनय खोवेगा, पर जो कोई मारे वास्ते अपनी जान खोवेगा वो विनय बचावेगा। यदि आदमी पूरी दुनिया पाई ले अन खुदरी आत्मा खोई दे तो वंडो कई लाभ। जो कोई मारा उन मारा उपदेश शरमाएगा तो मनखरो बेटो भी खुदरी महिमा अन पितारी महिमा हूं अन पवित्र स्वर्गदूतरी महिमा हूं शरमाएगा। मुताने हाची क्यों कि अठे कुछ ऐसा भी है जो परमेश्वर राज ने नहीं देख लेगा उनारी मौत नहीं वेगा। यदि ईशु यूहन्ना याकूब और पत्रस ने आपने लारे ले मगरा पर प्रार्थना करवाने गया और यदि वे प्रार्थना कर रिया हा तो वनारे मुंडारो रंग रूप बदल गियो और वनारा सफेद कपड़ा चमकवा लाग गया। अचानक मूसा और एलिया दो भविष्य बतावा वाला वनाऊ वात करवा लाग गया जो स्वर्गरी महिमा उ भरिया थका हा। तू परमेश्वरी योजना पूरी करेगा, तू यरूशलेम में मर जावेगा। और जदी वी जावा ला गया तो पत्रस यीशु ने कियो, मालिक यो कतरा हाउ है कि आपा आठे हाँ, आपा तीन तंबू लगावांगा, एक आपरे वास्ते। जदी पत्रस बोल रियो हो एक वादुलो आयो और वना पे छाया कर दीदी और अनियो चेला घबराई गया और वादुलो एक आवाज आई कियो, मारो बेटो है जो चुनियो थको है, अंडी वात हुनो। प्रभु मुँ थारो विनती करूँ कि मारा बेटा ने बचाई ले, कृपा कर हमारी मदद कर, क्योंकि वो मेरा इकलौतो बेटो है। मुँ थारा चेलाऊँ विनती की थी पर वे वीणे नहीं निकाल सकिया। अरे अविश्वासी और जिद्दी लोगा, मुँ कतरा दिन तक थाने लारे रेन थाने से तो रूंगा, थारा बेटा ने अठीने ला। Oh, my God.
वरना मुंडो भी ठीक रही क्यों यो कतरो अजीब है। प्रार्थना करनो हिका जिस तरह यवना अपने चेलों ने हिकायो है। जदि तू प्रार्थना करे के मारा पिता तू जो स्वर्ग में है थारो नाम पवित्र मानियो जावे और थारो राज आवे थारी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी वे धरती पे भी वे माने रोज री रोटी रोज दे और माने गलतियां ने माफ कर जो मां दूजारी गलतियां ने माफ करा माने परीक्षा में मत पड़वा दे पण बुराई हूं बचा। मांगो तो थाने मिलेगा ढूंढो तो था पाओगा खटखटाओ और थाने वास्ते खोल दी दो जाएगा क्योंकि जो मांगे विने दी दो जावे और जो ढूंढे विने मिले अन जो खटखटाएगा वने वास्ते दरवाजो खोल दी दो जाएगा। खाना मो कौन ऐसो पिता वेगा जो अपना बेटा ने मछली मांगवा पे सांप दे दे या अंडो मांगवा पे बिच्छू दे दे था भले कतरा ही बुरा क्यों नहीं वो पण अपना बालक ने हव चीज ही दोगा। तो स्वर्ग में बैठियो अपनो पिता वण्यू मांगवा वाला ने पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। मुं थाने यूं कहूं कि आपने प्राणा री चिंता मत करो कि था कई खाओ और शरीर वास्ते की था कई पेरोगा क्योंकि प्राण रोटियों और शरीर कपड़ों बड़न है। कागला ने देखो वो ने तो बोवे और न काटे और न वणी पा भंडार है तो भी परमेश्वर वंडो पेट भरे। थाने वक़्त तो पक्षियों कतरी ज्यादा बड़न है। थाना में कौन चिंता करन अपनी उम्र बढ़ाई सके थाने छोटा सा काम ने भी नहीं कर सको तो दूजी वात्री चिंता क्यों करो। नरगिसरा फूला ने देखो वे किस तरह बढ़े विने तो मेहनत करे और न काते तो भी राजा सुलेमान वणो एक रे जैसा कपड़ा ने भी नहीं पहन सक्यो। यदि परमेश्वर मैदान रे घास ने आज सवारे जो कि काले आग में झोंक दीदी जावेगा तो यो कतरो जरूरी है कि वो थाने भी सवारेगा। हे कमजोर विश्वास वाला माना विश्वास ने बड़ा अगर थानो विश्वास रही रे दाना रे बराबर भी है तो था सेतु उतरा पेड़ ने कोगा कि जड़ समेत निकलन समुद्र में पड़ जा तो वो थानी बात मान लेगा। पाप करवारो मोह जरूर आवे पण लानत वणी पे जणियों भी आवे और रेवे की वंडे गला में पाठ लटकाइन समुद्र में नाग दे बजाए अंडे की कणी छोटा ने बगाड़े। परमेश्वरो राज कैसो है वो ऐसो है कि एक मनक अपना खेत में राई रो एक दाणो बोवे वो पौधो बड़न पेड़ बन जावे और पक्षी वणी डालिया पे घोंसला बनावे। पतो नहीं वो कई कह रियो है था चुंगी लेवा वालों रे और पापियों रे हाथे क्यों खावो पीवो हो। हष्ट पुष्ट मनखा ने डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े केवल बनाने जो बीमार है। मु बड़ा मनखा ने उधारवा नहीं आए हूँ पर दूध करिया था करने सब हो रहा
माने राजरा बारा में पाछो होता कोई और भी बात है। अरे छोटा झुंड दुरो मती, क्योंकि थारे पिता री मर्जी है कि थने राज्य दे, सब कई वेचन पैसा दान कर दे, अने वास्ते आपनो ऐसो बटुओ बनाओ जो खराब नहीं वे, और स्वर्ग में ऐसो धन इकट्ठो करो जो कम नहीं पड़े, क्योंकि कोई चोर बठे नहीं पहुंच सके और कोई कीड़ो इन्हें नहीं खाई सके, क्योंकि जटे थारो धन रहेगा वटे थारो मन भी। लुगाई तू थारी बीमारियों ठीक वेगी है, देखो देखो या तो ठीक वेगी या कतरा गजबरी बात है, देखो और आओ या ठीक वेगी। परमेश्वर की जय हो, अठारह बरस परमेश्वर तने सुखी राखे, अनि छे दिनों में आपा काम कर सका, चंगाई के वास्ते कने और दिन आओ, पर सबत्रे दने नहीं। हे कपियो, कई थारा अमरे जन थाना बेला या कदा ने पानी पावरे वास्ते करूं खोली नहीं ले जाओ, और अठे या लुगाई जो इब्राहिम री वंशज है जिन्हें शैतान 18 वर्षों कैद कर रखी है, कई यो ठीक नहीं वेगा कि बिना आराम रे दिन आजाद की दी जावे। हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पावारे वास्ते मैं कई करूं? तू मने उत्तम क्यों केवे है? परमेश्वर अलावा कोई उत्तम नहीं है, तो आज्ञाएं तो जाने है, व्यभिचार नहीं करनो, हत्या नहीं करनी, कहीं पे झूठो आरोप नहीं लगानो, अपना माँ बाप प्रो आदर करनो, अना सब आज्ञा ने तो मु बचपन मान तो आयो हूँ। थने अभी भी एक बात और करनी है, आपनो सब कुछ वेचन गरीबा ने दान दे दे तो स्वर्ग में धन मिलेगा, अने वास्ते मारे पाछे आ। लेकिन माँ तो व्यापारी, हाँ खूब धनी। एक धनवान रो परमेश्वर राज में जानो कतरो कठिन बात है, परमेश्वर राज में धनवान रा जाऊं ऊंट रो सुइरा छेद मु निकलनो ज्यादा आसान बात है। जदी कौन बचेगा? जो मनख नहीं कर सके विने परमेश्वर कर सके है। हाउ है परमेश्वर और राज कटे आवेगा? परमेश्वर और राज प्रकट रूप में नहीं आवेगी था विने देख सको, कोई यो नहीं कह सके कि देखो वो अठे है या वठे है, क्योंकि परमेश्वर और राज थाना में है, वो समय आवेगा जदि था मनकारा बेटा रा दना मु एक दिन देखनो चाहोगा पर था नहीं देखोगा, जणित्र आसमान में बिजली एक आड़ी चमकन दूसरी आड़ी परी जावे, वणित्र मनकरो बेटो भी अपना दना में प्रकट वेगा, पर पहला विने खूब दुख उठाना पड़ेगा और लोग विने दुत्कारेगा। आकाश और धरती रोटल जानो सहज है, पर जो बात नियम में लिखी है वह तो जरूर पूरी वेगा। मुथाने के हूँ नरे राजा और भविष्य बतावा वाला देखनो और हुनो चाहता हा, जिन्हें वी न देख सक्या न हुन सक्या। माँ कई करा? धर्मशास्त्र कई केवे? अन्नो मतलब कई है? यो लिखियो है तू अपना परमेश्वर हूँ, अपना सारा मन, अपना सारा प्राण, अपनी सारी शक्ति, सारो दिमागो प्यार रख, आपनो पड़ोसी आपने समान प्यार रख। तू ठीक केवे है, ऐसो इज कर तू जीवित रहेगा। माड़ो पड़ोसी कौन है? वो सैनिक नहीं है तो कोई केसर है। एक बार एक आदमी यरूशलम यरीहो जैरियो हो, जिदी डाको विने पकड़न वन्ना कपड़ा उतार लीदा और विने मारियो पीटियो अधमरियो करन छोड़ दी दो। एक पंडित आयो
और उन्हें देखन परो गयो। अनी प्रकार एक भगत भी आयो और देखन परो गयो। पण सामरी देश रो एक अछूत वठाऊं जाई रियो हो, वणी विने घायल देखियो तो वंडो मन दयाऊं भर गयो और वो वणी आदमी रे पास गयो। वणी आदमी रे घाव पे मल्लम पट्टी की दी अन अपनी सवारी पे बिठाई एक सराय में ले गयो अन वंडी देखभाल की दी। दूसरा दिन वणी सराय मालिक ने चांदी रा 2 सिक्का देन कियो कि वंडी देखभाल करजे और जदि मु पाछो आऊंगा तो जो खर्च आएगा वो दे दूंगा। अना तीना मु कणी घायल आदमी रे लारे पड़ोसी रो धर्म निभायो। जेनी वणी पे दया की दी। तू भी ऐसो इज कर। आ बालक ने मारे पास आवा दो और वणा ने मत रोको, क्योंकि परमेश्वर और राज अनारोज है। मु थाना सच कहूं हूं कि जो परमेश्वर राज ने बालक रित्र ग्रहण नहीं करे वो वणी में कदी भी नहीं जा सके। जो कोई मारा नाम बच्चों प्रेम करेगा वो मारो प्रेम करेगा, जो मारो प्रेम करेगा वो मैंने भेजवा वालों प्रेम करेगा, क्योंकि थाना मुझे सबू छोटा वही सबू महान है। हसरत रो यीशु अठाऊ जाई रियो है। यीशु यीशु दाऊद रा बेटा मार पे दया कर। तू कई चाहे मु थारे वास्ते कई करूं? मु देखना चाहूं। तो देख, थारा विश्वास थाने ठीक कर दे दो। मु देख सकूं। यदि यीशु यरूशलेम जावा लाग्यो तो हर जगह खूब भीड़ मली। लोग वणी ने मुक्ति रो गेलो पूछ रिया हा और प्रभु रा राज्य रे बारा में वतावाने के रिया हा। यो मनुष्य हाची में हो ही सकता है। मारा प्रभु और स्वामी मने बचाई ले। हे प्रभु माने बच्चा माने बच्चा। प्रभु री स्तुति हो। माने सही रास्तो बता प्रभु। लोग वनी ने प्रभु और स्वामी मानवा लाग गया हा। यरियो में जग के नाम रो चुंगी लेवा वाड़ो एक आदमी हो, वो यीशु ने देखवारे वास्ते आतो आग तो हो कि वो भीड़ू अलग एक पेड़ पे चढ़ गियो। वो चुंगी लेवा वाड़ो है। जग के नीचे उतरिया, क्योंकि आज मैं तारे घरे रुकूंगा। मारे घरे कौन मंडा घर मेरे मनो चावेगा? जक्के किस तरह यीशु ने जाने? हुनो मु मारी जायदाद रो आधो हिस्सो गरीबा ने दे दूंगा। अगर मैं कणियो धोखो की दो है तो मैं मिने 4 गुना पाच दे ही दूंगा। मुझे नहीं मान सकूं कि एक चुंगी ले वालों आपने चुंगी पाची देगा, असंभव।
कहा जानी कर रो उद्धार भी हो, क्योंकि यो भी इब्राहिम रे जो वंशज है, मनकरो बेटो खोया ने ढूंढने वाला उद्धार करवा आयो है। सुनो, मैं यरूशलम जा रहा हां, जठे मनकरा बेटा री भविष्यवाणी पूरी वेगा, विने पराया ने होप देगा, मंडी हंसी उड़ेगा, अनविने नीचो दिखाई वंडे मुंडा पे थूकेगा और कोड़ा लगाइन मार देगा। पण तीसरा दन वो पाछो जी उठेगा। आदमी जाति रे पापरे वास्ते मारियो जावेगा, यो जानता थका भी ईशु यरूशलेम रो गेलो लीदो। घना जना वंडे आवा पे आनंद करवा लागिया और वीने आपनो राजा मानवा लागिया। अपने शिष्य ने शांत रेवारी आज्ञा दो। मुँ क्यों, यदि ये चुप रिया तो भाटा खुद ही चिल्लानो चालू कर देगा। शांति रा राजा री जय हो। यदि यीशु यरूशलेम रे पास आयो और वणी ने देखियो तो वो रोई पड़ियो। कही रे तो कि तू शांति री बात ने जान ले तो जिन्हें कि तू नहीं जान सक्यो। वो दिन आवेगा कि थारा दुश्मन मोर्चा बांध थने घेर लेगा और सब आइन थने दबाई देगा, अनानी दीवार रे नीचे मिट्टी में मिलाई देगा थने और थारे बालका ने, और वे थारा पे भाटा पे भाटो भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि थे परमेश्वर उद्धार ने आपने लिए तुच्छ जानियो है। यरूशलम रो पवित्र मंदिर भक्ति रे बजाय व्यापारो अड्डा बन चुकियो हो। मारो घर प्रार्थना रो घर वेगा, पर था इन्हें डाकुमारी गुफा बनाई दी है। कुछ राजनेता और धार्मिक मुखिया में नाराजगी भावना फैल गई ही, क्योंकि लोग यीशु ने राजा केवा लाग गया हा। मैं होचो हूं कि खूब जना ने राजा मान लियो है। कई राजा? राजा मंगता रो रंडियो रो चोरों रा महाशन अरे देखिया वी आवे अपने दावा करे और पराजावे और लोग भूल जावे। आंदा मत बनो, मने मनवा वाला रोज बता रिया है, मनक मंडी बड़ाई करे है। और होचो वो एक राजा है, हूँ थाने चेतावनी देना चाहूँ
अगर अणी आदमी शांति तोड़ी तो मुँह थाने जिम्मेदार ठहराऊं। शायद ठीक है, कलील यो रो सामनो रो वक्त आयो है। पंडित और भक्तारा कपटी समूह में ईशुरा उपदेशारो दोषारोपण बढ़तो गियो। यहूदिया में वंडा मानवा वाला बढ़वा लागा और वंडा दुश्मन भी बढ़ गया। यदि यीशु मंदिर में हो तो वणी एक बहुत गरीब विधवा ने तांबारा दो सिक्का दान में नाखता देखिया। खूब कम है, पड़ी ज्यादा नहीं दे सको। मुथा ने कहे हूँ कि आनी गरीब विधवा सब ज्यादा दीदो है, क्योंकि दूजा अपना नरे धनमू दीदो हो, पर अणी गरीब तो अपनी सारी कमाई दे दीदी है। मने बता, थाने असो कहवारो कई अधिकार है, कणी थाने यो अधिकार दीदो। अबे मु थाने एक सवाल पूछूं, यहुन्ना ने जल संस्कार देवारो अधिकार परमेश्वर दीदो या मनक? यदि मां कहवा की परमेश्वर की ओर तो कहवेगा था यो ना पे भरोसा क्यों नहीं करो हो? यदि मां कहवा के आदमी तो भीड़ वाला पे फटा फेंकेगा, क्योंकि वे सब यौना ने भविष्यता माने। माने कहीं पतो कि ये कणियो मिलियो तो मु भी थाने यो नहीं बताऊं कि कणी अधिकार हूं यो करूं। एक दान एक आदमी अंगूरी वाड़ी लगाई, अनविने ठेकेदार ने देन दूर देश परो गयो। जदि अंगूर लेवारो समय आयो तो वणी एक नौकर ने वंडी फसल रो भाग लेवा भेजियो, पण ठेकेदार विने ठोकन खाली हाथ भगाई दीदो। वणी दूजा नौकर ने भेजियो, पण ठेकेदार विने भी ठोक्यो, अनवनो मांस नो उगाड़न खाली हाथ भेज दीदो। यदि वणी तीजा नौकर ने भेजियो, विने भी ठेकेदार मारन घायल करन बाण ने फेंक दी दो, तो बचे मालिक खुद होचियो। अबे मु कई करूं, मु अपना लाडला बेटा ने भेजूंगा, जरूर भी विने आव भगत करेगा। पण ठेकेदार विने आव तो देख न आपस में बोलिया कि यो तो मालिक रो बेटो है, आप इन्हें मार दा अंडी पूरी जायदाद अपनी एक वे जाएगा। पछि कई वियो पुणा विने अंगूरी वाड़ी निकालियो, मार दीदो। देखो अबे यो मालिक ठेकेदार रेला रे कई करेगा, वो आइन वणा ने मारेगा, अनंगूरी वाड़ी दूजा ने दे देगा। यदि एणी वचन रो कई मतलब, जणी भाटा ने मिस्त्री बिल्कुल बेकार ठहरायो, वो ही सब हव निकलियो। जो कोई एणी पे पड़ेगा वो चकना चूर वे जावेगा, और यदि यो भाटो कणी पे पड़ेगा तो भी ने पीस नाखेगा। गुरु मां जाना हाँ जो तू हिकावे वा ठीक है, पर तू आदमी रुतबा पे ध्यान नहीं देवे, तू परमेश्वर की बात की सच्चाई लोगों ने बतावे। माने बता, रोमी महाराजा ने सुंगी देनो कानून के विरुद्ध है या नहीं है? ध्यान रख जो प्रभु, वो थाने फसाना चाहे। मने एक चांदी रो सिक्को दिखा, अणि पे कंडो मुंडो और नाम लिखियो है केसर रो। जो केसर रो है वो केसर ने दीदो जावे, जो परमेश्वर रो वो परमेश्वर ने। अबे अंडो कई उत्तर भई सके? अबे बिना कमीरी रोटी रो त्योहार पास में है, जिन्हें बलि रो त्योहार केवे है। और यीशु शमोन पत्रस और यूना ने पेलाऊ बलिरो खानो तैयार करवा भेजियो है।
मारी बड़ी इच्छा है कि दुख भोग वारे पहला मु तारा हाथ हूं बलि रो बोज खाऊं। मु थाने कही क्यों हूं परमेश्वर राज में अंडो मतलब पूरो नहीं वेगा जत्रे के मुंह ने नहीं खाऊंगा। धन्य है प्रभु परमेश्वर विश्व विधाता जो दाखरी वेल में फल लगावे। अनिने लोर आपस में वाट लो क्योंकि मुँह थाने क्यों जितरे परमेश्वर और राज नहीं आवे मुँह दाख रस नहीं पीऊंगा। तू धन्य है प्रभु परमेश्वर अन्नदाता जो धरती पे रोटी उपजावे यो तो मारो शरीर है जो थाने दीदो जावे। मारी याद में था ऐसो इज कर जो यो मारा खून रो प्यालो जो थाने वास्ते बहायो जावे वो नयो वादो है। पण देखो मने पकड़वा वाला रा हाथ मारी थाली में है। मनखरा बेटा रो मरणो परमेश्वर ठहरायो है पण लानत वणी पे झंडे कारण वो पकड़ायो। यो नहीं वही सके यो नहीं वही सके कदी नहीं वही सके। खपटी रो नाम बताओ मालिक। जो थाना मु सबू बड़ो है वो सबू छोटो वणे और नेता नौकर जैसो वणे क्योंकि बड़ो कुण है वो जो खाणो खाई रियो है या जो परोस रियो है। बड़ो भले ही खाना खावा वालो पण मु तो खाणो परोसवा वाला रे बराबर हूं। था मारा हरेक इम्तिहान में मारे लारे रिया। मारा पिताजी मने जो राज करवारो हक दीदो वो हक मु थाने भी दे रियो हूं। था मारा राज में मारी मेज पे खाओगा पियोगा अनणी गद्दी पे बैठ नणा यहूदियारी बारा जातिया पे राज करूंगा। जदी तो कोई कपटी नहीं है। शिमोन शिमोन देख शैतान थानो इम्तिहान लेनो चावे कि अच्छा ने बुराइयों अलग करे जिस तरह के किसान गेहूं ने भूसाओं अलग करे। मैं थारे वास्ते प्रार्थना की थी शिमोन की थारो विश्वास नहीं टूटे। जदि तुम मारे आईडी पाछो आवे तो थारा भाइया ने दृढ़ राख जे। मालिक मु थारे लारे जेल जावाने तैयार हूं और थारे लारे मु थाने कहूं पतरस कि आज मुर्गारी बांग देवारे पहला तीन दाण मने जानवा तू मना करेगा। यदि मैं थने बटुआ झोला अन जूता रे बिना भेजो तो कंडी कमी भी नहीं कई कमी नहीं भी। पण अबे जणी पा बटुआ और झोला है ले लो। झंडे पा तलवार नहीं है भी अपना कपड़ा वेचन खरीद ले। मु थाने क्यों धर्मशास्त्र में सो लिख्यो है कि वो अपराधिया में गिणियो गयो है। मारे वास्ते लिख्यो तो को हाचो साबित वेरियो है। देख अटे दो तलवारा है प्रभु। और धार्मिक गुरुवारी एक बैठक हुई जो कि यीशु वो छुटकारो पावारे वास्ते ही। जदी शैतान यहूदा में आई गयो जंडो पैतृक नाम इस्कारियोती हो और जो बारह शिष्या मु एक हो वनी धार्मिक गुरुवाऊ मिलन यीशु ने पकड़वा वारी तरकीब होची। जदी यीशु जेरुसलम मु निकलन जैतून मंगरा पे प्रार्थना करवा गियो
प्रार्थना करो कि था इम्तिहान में नहीं पढ़ो। यहूदा इस्कारियोती केवल 30 चांदी रा सिक्का रे वास्ते प्रभु ने धोखो दिदो। यीशु जानतो हो कि आदमीरी जाति रा पाप रे वास्ते वंडा प्राणारी बलि रो वक्त पास में आई गियो है। हे पिता, यदि तू चावे तो वणे प्याला नहीं मारे पाऊं हटाई ले, पण पिता मारे बजाय थारी इच्छा पूरी वे। और स्वर्ग दूत स्वर्ग भूवी ने शक्ति देवारे वास्ते प्रगट वियो। वणीरो पसीनो खून री तरह बड़ी बड़ी बूंदारा रूप में जमीन पर पड़ रियो हो। हाँ, क्यों हो रिया हो? उठो, प्रार्थना करो कि था इम्तिहान में नहीं पढ़ो। यहूदा, कहे थो चूमन मनखरा पुत्र ने धोखो देवे? प्रभु कई मैं तलवार लेने आना ने मार दा। आओ अणी ने पकड़ लो। बस चमत्कार। कई था मने डाकू हम जन तलवार और लाठी लेने आया हो। यदि मु मंदिर में थाने हाथे उठा मने नहीं पकड़ियो, पण यो थानो समय है। यदि अंधकार रो राज है पकड़ लो। अंडी देखभाल करो। पाई विने अंगन में ले गया और यहूदियारो राजा केई ने वंडी मजाक उड़ाई। नेक राजा रा गाबा तो देखो। अबे माने बता, अबे कई व्यवहार वालो है। हे राजा, कई तू माने लोगों ने बचाएगा? यो आदमी भी यीशु रे हाते हो। भाई मु तो वणी ने जानू भी नहीं। मां आणी ने वंडेला रे देखियो। आपड़ो दीन सेवा बड़ा बनता। अबे कैसो लाग रियो है?
तू भी तो बड़ी मुँह एक है पर मुँह नहीं हूँ। आणि में कई शक नहीं है कि यो आदमी भी यीशु प्रभु रे लारे हो भले ही यो भी गलीली है। पर आ जाओ, पता नहीं था कंडे कंडे बारे में बात कर रिया हो। यीशु मुड़न सीधो पतरस आड़ी देखियो। जदी पतरस ने यीशु री वा वात याद आई कि मुर्गारी बांग देवारी पहला तू तीन दान मना करेगा कि तू मने जाने हैं। मालिक महाराज करा कि तू तारी शक्ति रे महान तारे अनुसार कर। तू वो है चढ़ी माणा पाप दाना ने तारे खिलाफ बगावत करवा पे भी माफ की दा। भली तू वणव नाराज पण थे वणारो नाश नी की दो। वणारे वास्ते थारो प्रेम थारियाण और थारो भरोसा री वजह ते वाणा ने माफ की दा। बता तने कौन ठोक्यो? आगे बता अबे थाने कौन ठोकेगा? बंद करो यो सब बंद करो अनी रे सवारे हमें लाओ जा। यीशु प्रश्न पूछवारे वास्ते धर्म गुरुवारी एक सभा वी। मैंने बता का है तू मसीह है? अगर मु थाने कहूं तो था विश्वास नहीं करोगा और मु प्रश्न पूछूं तो था उत्तर नहीं दे सकोगा। पण अबे मनक रो बेटो सर्वशक्तिमान परमेश्वरे जीवने हाथ आड़ी बैठेगा। कहीं तू परमेश्वर बेटो है? ताके वो की मुँह हूँ। दोषी माँ अपने आप भुण्यो है अणि कई क्यों है? अणि प्लातू से कोड़ ले जावा। हाँ अनिल नहीं चल चलो और वीवी ने पिला दूसरे पास ले गया जो रोमी शासका में सबाऊ दुष्ट और हजारों री मृत्यु रो भागीदार हो। अत्री सुबह सुबह थे मारू कई जाओ वणी ने लोगा ने भड़काता थका पकड़ियो है अणि मंदिर रे बाजार में धूम मचाई दी थी है अंडी सजा कई वेगी अंडो फैसलो करो। मैं इन आदमी में सजा देनो जैसो कोई काम नहीं। अणि ने दोषी ठहरायो है यो कैसे ने सुंगी देनो ने मना करे यो अपने आप में मसी राजा केवे है। राजा कहीं तू यहूदा रो राजा है? था ऐसो के वो और ये सब गलील में शुरू की तो हो जो अठे भी आ गया है
गलील में है, कहीं वो आदमी गलीली है, जदी तो इन्हें हेरुदेश में सोम देनो चाहे, भावनु तो यरूशलेम में ही है, इन्हें हेरुदेश को सोम दो। अपने आप को कहीं गेवे है वे कुण है जना ने तू थारा चेला केवे है मैं खूब लवने उन्हें है कि तू अनोखा काम कर सके है मारे वास्ते भी कहीं कर महाराज यो आदमी सबरो नाश कर रही है यो अपने आप ने राजा कहवे है यो आदमी एक राजा महाराजा इन्हें बुरी तरह मारो इन्हें पिला दूसरे पास पास ले जाओ यो वंडे ही गांव रो है ने मृत्यु दंड दे दियो जावे अड़ी ने ऐसो पाप ने की दी अड़ी ने कोरडा लगाए इन छोड़ दो अड़ी त्योहार रे माथे तू एक आदमी ने मारे लिए छोड़वारो हक रखे है माने वास्ते बराबर ने छोड़ दे हाँ और अड़ी आदमी सजा दी जावे हाँ बराबर इन्हें सूली पे लटकाओ हाँ, इन्हें सूली पे लटकाओ हूँ हूँ इन्हें कोड़ा मार आप घनी बाद रहा इंतजार कर रहे हो राजा पिलातुस यो यीशु है पनवे जोरदार आवाज उचिल्लाता रिया कि यीशु ने सूली पे लटकायो जावे आने वास्ते पिलातुस यीशु ने मौत्री सजा हुनाई दी दी और वनी बरवाने जनी ने वे छुड़ानो चाहता हा छोड़ दी दो जो बलवा और हत्यारे वास्ते जेल में हो अन वनी यीशु ने सूली पे लटकावारे वास्ते वनारे हाथा में होक दी दो
નામ હે થારો? મારો નામ શમન કરેની. અઠીને આવ, રસ્તે કાઢી દો. પ્રભુ, હે યરૂશલેમ રી લુગાયા, તમારે વાસ્તે મત રોવું, થા થાણે વ થાણે બાળકારે વાસ્તે રોવું, ક્યુંકિ જો હરિયા પેડ લારે અતરો બુરો કર સકે, વેહુકા પેડ લારે કઈ નહીં કરેગા. પરમેશ્વર થારી મદદ કરે. માં થારે વાસ્તે પ્રાર્થના કરાંગા. ચાલો હરિયાળી આવો, ઝટ કરો ઝટ કરો, હવે થાવ અડે જાઓ, જાતા રહો, હરીને આવો, ઝટ કરો, ચાલો ઝટ કરો, હવે ચાલો ચાલો, હવે તું ચાલ, હવે થા ચાલો. માફ કરો, ઇહની જાને કઈ કર રહ્યા હે. આણી ઓરોને બચાયો, અબે યો આપને બચાયા તો જાણા.
हाँ यदि तू मसीह है तो अपने आप ने बचा और क्रूस में उतर जा। माने आपनो एक तो चमत्कार दिखा। अनी प्रकार सैकड़ा साल पहलारी या भविष्यवाणी पूरी हुई कि यीशु ने दो चोरारे वच में सूली पे लटकायो जावेगा। ये कणी साधारण संतरा कपड़ा नहीं है। सुनो सुनो रुको रुको नहीं इन्हें फाड़ो मती। मैं थाने बताऊं कि कई करो कागज चिट्ठी नाको। आई गयो थाने मिल गयो हनी रोका ही करोगा। वंडे माथारे ऊपर एक तख्ती लगाई जेनी पे लिखियो हो यो यहूदिया रो राजा है। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप ने बचा ले। कई तू मसीह नहीं है तो पछे माने और अपने आप ने बचा लिए। कई तू परमेश्वर नहीं डरे इन्हें आपने जैसे दंड मिल रहे है पढ़ना नहीं कई गलती नहीं की दी है। मने याद कर जे यीशु जदि तू राजा बनने आवे। मु थने वचन दू कि आज ही मारे लारे थू स्वर्ग में वेगा। धन रो समय वे चुक्यो हो और 3 घंटा तक पूरा देश में अंधारो छायो रियो। अंदरो पर्दो उपराऊ नीचे तक 2 हिस्सा में फाट गियो। पिता सारे हाथ में मारी आत्मा सौंपू हूँ।
यदि सिपाही रा सरदार यो देखियो तो वणी परमेश्वर री बड़ाई करता थका कियो। परमेश्वर री बड़ाई वे, हाची में यो एक धार्मिक आदमी है। अरमतियारो निवासी यूसुफ जो धार्मिक सदस्य हो वो वंडा अनि कामु खुश नहीं हो, वणी पिलातुसु वंडी मरिया थकारी लाश मांगी कि विने शाम वेवारे पेला कबर में मेल सके। माने माफ कर, मां प्रभु रे अर्थी रे पाछे चाल रिया हां। आप सबारो स्वागत है, आओ चाला, सबत्रो दन वेवा वालो है। दीतवार रे दन सुबह लुगाया तैयार की दी थकी खुशबूदार चीजा लेन कबर पे आई। और वणा कबर रा भाटा ने हटियो थको देखियो, यदि भी मायनेगी तो वठे वणा ने ईश्वरी लाश नजर नी आई। था जीवता ने मरिया थका में क्यों ढूंढो हो, वो अटेनी है, वो जी उठियो है। थाने याद है कि वणी गलीली में कई क्यों हो, आदमी रो बेटो पापियों रे हाथों पकड़ाया जावेगा और सूली पर चढ़ाया जावेगा, अंतीसरे दिन जी उठेगा। थके हो और यदि मां कबर में घुसिया तो मारे प्रभु की लोत वठे नहीं। कई प्रभु री लोत नहीं। आदमी प्रकट हुआ, स्वर्गदूत सूर्य रे जैसा चमकता, वणा माने कियो, था जीवता ने मरिया थका मैं क्यों ढूंढो हो, यो सच है। मानो विश्वास करो, मानो विश्वास करो। ने देखियो था आपने आप देख लो, कबर खाली ही, माने प्रभु वठे नहीं हो। पत्रस थाने मानी बात माननी पड़ेगा। यीशु दो शिष्या ने दिखिया
और वणा खुश वैन अणि समाचार ने अपने साथी आने हुनायो। प्रभु हाँची में जी उठ्यो है, वो शिमोन ने दिखाई दीदो है। मावी ने नहीं पहचान सकिया, यदि वो गेला में हो। पण जदी वणी रोटी तोड़िया मावी ने जाने। माउस में गसप री बात हो, वठे क्यों गयो? थाने शांति मिले। अतरी चिंता क्यों? थाना में शक क्यों आई रियो है? देखो मारा हाथ और मारा पग, जान लो कि मु हूं, मने छुओ और पहचान लोगा। आत्मारे हड्डी और मांस नी वेवे जैसो मारा में देखो हो, मुंह या बात ही तो करतो हो जदि मु थाने लारे हो। जो भी मारे बारा में धर्मशास्त्र में लिखियो है वी सभी पुरानी भविष्यवाणियां पूरी वेगा। यो ही तो लिखियो है कि यीशु मसीह ने दुख उठानो और तीसरा दिन जीव उठनो जरूरी है। यरूशलम सब जातियां में मन फिरा और पापरी माफी रो प्रचार वंडे नामू शुरू वेगा। था आणी वातारा गवाह हो, मु खुद मारे पिता री शपथ थाने वास्ते पूरी करूंगा। अणी शहर में ठहरो जठा तक कि स्वर्गों शक्ति नहीं पाई लो। परमेश्वर थने आशीष दे। स्वर्ग और पृथ्वी रो सारो अधिकार मने दे दी दो है। अनिवास्ते था सब जाति रा लोगा ने चेला वणा और वणा ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा रे नाम रो जल संस्कार दो। वणा ने भी सब बाता बताओ जो मैं थने बताई है। वणा ने आज्ञा माननो हिकाओ और देखो जगत रे अंत तक मु हमेशा थाने लारे हूँ। आमीन। जनी कबर में ईश्वरी लाश राखी ही वा खाली है। सूढ़ी पे मरवारे बाद वो तीसरा दन पाछो जीव उठ्यो। वो जीवित है, वो थाने जीवन में आनो चावे है। या बात ईशु खुद की है। मु पुनरुत्थान और अखंड जीवन हूँ। जो कोई मारा पे विश्वास करे है यदि वो मर भी गयो तो जीवित रहेगा। ईशु ने मरण पाछा जीवित विया थका लगभग 2000 वर्ष वे चुक्या है और आज भी वो अनि दुनिया में सबाउ महान और शक्तिमान आदमीरा रूप में जीवित है। वित्या थका समय में कई महान आदमी आया और परा गया। राजा, विद्वान, ज्ञानी, पंडित और धर्मशास्त्री आया अन परा गया, पण आज भी ईशु जीवित है। वो अनि जगत में सबाउ अनोखो आदमी है। वंडो जन्म अनोखो हो। धर्मशास्त्र वतावे है कि वंडो जन्म मरियम नाम री कुंवारी हूं वियो। वंडी जिंदगी अनोखी ही, वंडो चरित्र दैवी शक्ति वालो हो। वनी बिना पापरी पवित्र जिंदगी विताई और वनी ऐसा अद्भुत काम कीदा जो आज दन तक कोई नी कर सकियो। वंडो संदेश अनोखो हो। जनी विने रक्षक और प्रभु मानियो, विने वनी प्रेम, क्षमा और जीवारो नयो ढंग दीदो। जठे जठे वंडो संदेश पोचियो, नवो जीवन, नई आशा और जीवारो नयो मतलब मल्यो। सुड़ी पे वंडी मौत अनोखी ही। 2000 वर्ष पहला जगतरा परमेश्वर अपना एकलौता बेटा यीशु मसीह ने मनख जातिरा पापरे वास्ते बलिदान कर दी दो।
वणी थाने वास्ते जान दीदी। वंडो पाछो जी उठनो अनोखो हो। वंडे मरवारे तीन दिन बाद इतिहास में एक अद्भुत घटना घटी। यीशु मरियो थको पाछो जी उठ्यो। वंडो जन्म जीवन मृत्यु और वंडो पाछो जी उठनो यो बतावे है कि प्रभु यीशु अपना दावारे अनुसार हाची में ईश्वर रो पुत्र और मनक जाति रो उद्धार करवा वालो हो। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो थाना जीवन में आनो चावे है। थाना पाप माफ करना चावे है और थाने हरियो भरियो जीवन बितावा वास्ते ताकत देनो चावे है। वंडा वचना पे ध्यान दो। हे सब मेहनत करवा वाला और बोझू दबियता का लोगा, मारे पास आओ, मुँह थाने आराम दूंगा। मार्ग सच्चाई और जीवन मुँह ही हूँ। मारे बिना पिता रे पास कोई नहीं जाई सके। धर्म शास्त्र बाइबल माने केवे है कि सब जना पाप किदो है और परमेश्वर री ज्योति वणावु निकल गई है। और अंडे अलावा यो भी लिखियो है कि पाप री कमाई मौत है, पण परमेश्वर रो दान माने प्रभु यीशु मसीह में अखंड जीवन है। प्रभु यीशु मसीह अपनी मौत उठाना पापा ने भुगतिया है। अबुनु भी वो थानी जिंदगी में आवाने तैयार है। देख, मुँह दरवाजा पे उबो खटखटाऊ हूँ। यदि कोई मारो शब्द हुनन कमाड़ खोल देगा तो मुँह वणी में आऊंगा। वंडा प्रेम और वंडी माफी रो अनुभव करवारे वास्ते और अखंड जीवन जीवारे वास्ते विने परमेश्वर रो थानी पापारी मुक्ति रो बलिदान माननो पड़ेगा और विश्वास रे लारे विने अपना जीवन में उतारनो पड़ेगा। अगर थाने मन में अनिवार्य इच्छा है तो पूरा विश्वास रे लारे प्रार्थना करो और यीशु मसीह थाना जीवन में जरूर आवेगा। वह प्रार्थना अनि ढंग वे सके। पहला इन्हें मुँह बोलूंगा, हे प्रभु यीशु मसीह, मने थारी जरूरत है। तू मारा पापारे वास्ते सूली पे चढ़ियो। या थारी बड़ी कृपा वी मुँह मारा जीवन रा दरवाजा खोलन। थने मारा प्रभु और रक्षा करवा वाला रे रूप में मानू हूँ। मारा जीवन ने तू अपने हाथा में ले ले और मने जैसो मनक तू बनावनो चावे है वैसो वणा ऐसो ईज वे। आमीन। अगर या प्रार्थना थाने मन री इच्छा ने बतावे तो था अबाणु जनी जगह हो वठेज आनी प्रार्थना ने करवा लाग जाओ। आन एक एक वात्री शांतियु मारे लारे प्रार्थना करो। प्रभु यीशु, मने थारी जरूरत है। तू मारा पाप रे वास्ते सूली पे चढ़ियो, थारी बड़ी कृपावी। मुँ मारा जीवन रा पट खोलन। थने मारा प्रभु मारा रक्षा करवा वाला रे रूप में मानू हूँ। मारा जीवन ने हमार मने थारा मन रे माफिक मनक वणा। आमीन। अगर अबणु पूरा विश्वास रे लारे था या प्रार्थना की दी है और यीशु मसीह ने थाना जीवन में आवारो न्योतो दीदो है तो निश्चित रूपु वो वंडा वचनारे अनुसार थाना जीवन में आई चुकियो है। थाने यो भी मान लेनो चावे कि थाना पाप क्षमा वे गया है। था परमेश्वर रा बेटा हो और थानो जीवन अखंड है। यदि था हरिया भरिया जीवन जंडो की वचन प्रभु यीशु मसीह दिदो है रो अनुभव करनो चाहो तो रोज वंडी प्रार्थना करो। वंडा वचना ने भनो, वंडा धर्म शास्त्र ने वाचन थाने जीवन रे वास्ते वंडी अद्भुत योजना री खोज करो। वी लोग जो वणियो प्रेम करे और विने माने वणाउ था संगत करो। और सबाउ जरूरी बात या कि वंडा जो अनोखा वायदा है वणा ने याद रखो। मुँह थाने कदी नी छोड़ूंगा और नी त्यागूंगा। देखो दुनियारा अंत तक मुँह थाने लारे हूँ।